IDF ने इससे पहले हमास के सीनियर लीडर्स इस्माइल हानिया और मोहम्मद दाइफ, जिनको जो है वो 7 अक्टूबर के बिहाइंड जो ब्रेन्स हैं, जो पूरा मेंटल प्लान था, स्ट्रेटजी थी, वो मोहम्मद दाइफ के जिम्मे आती है। और ये तीनों उस वक्त मेजर लीडर्स मर चुके हैं, मार दिए गए हैं IDF की तरफ से। और काफ़ी लोगों में ये तासुर पाया जा रहा है इन द वेस्ट एंड हियर कि शायद इनकी वफात के बाद ये जंग ख़त्म हो जाए, लेकिन ये काफ़ी अनफाउंडेड सा एक तासर है। बिल्कुल, देखें सबसे बड़ी बात ये एक जंग नहीं है, ये समझें एक एथनिक क्लेंजिंग है इसराइल की बेगुनाह फिलिस्तीनियों के खिलाफ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बात स्टेटेड है कि जो दुनिया की तारीख है कि नज़रियात किसी भी शख्स की मौत से नज़रिया कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ना नज़रिया यासर अरफात की शहादत से ख़त्म हुआ, ना शेख अहमद यासीन की शहादत से ख़त्म हुआ। शेख अहमद यासीन को वो इतनी एक उनकी बुजुर्गी की उम्र थी, अगर नाज़रीन 2004 के वाक़े को हम देखें कि वो व्हीलचेयर पे मस्जिद जा रहे थे और उनको IDF के हेलीकॉप्टर्स ने जो है निशाना बनाया और उनकी उनका जिस्म का कोई हिस्सा देखने लायक नहीं रहा था क्योंकि इतनी बुरी तरह से वो इंजरीज आई थी जिसके नतीजे में उनकी शहादत हुई। लेकिन आज तक वो आप फलस्तीन के गज़ा की आप सड़कों पे देखें तो आपको दीवारों पे एक बुज़ुर्ग आदमी जो है व्हीलचेयर पे नज़र आता है, क्योंकि लोग रिवेयर करते हैं, क्योंकि मुसलमानों और फलस्तीनियों की नज़र में बहादुरी है जिसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो रेजिस्टेंस वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम हिस्ट्री में देखते हैं तो ऑक्यूपाइंग कॉलोनाइजिंग फोर्सेस हमेशा रही हैं, हमारे अपने खत्ते को कॉलोनाइजेशन का सामना करना पड़ा कई सौ साल तक। चे गुवेरा से बेहतर मिसाल किसकी हो सकती है कि 1967 में अलबत्ता बोलिवियन फोर्सेज ने उनको मार दिया था, लेकिन जो अगर नाज़रीन उनकी जो आखिरी इमेज देखी जाए जिसमें वो कैमरे की आँख को घूर के देख रहे हैं इवन अपनी मौत के बाद, और वो एक आखिरी इमेज थी जिसने जो उनके पूरे सपोर्टर्स थे उनके अंदर एक नई जान डाल दी। और फिर जो चे गुवेरा का जो रियल नजरिया था और जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था वो तो फिर एट द एंड ऑफ द डे अचीव हो गया ना। एग्जैक्टली, मुझे काफी लोगों का कहना है कि याह्या सिनवार की शहादत के बाद अब हमास एज अ तंजीम बहुत वीक हो गई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। बिल्कुल, आपने ये मेरे ख्याल में काफी अनफाउंडेड ये क्लेम है, क्योंकि जिस तरह मैंने नाज़रीन को पहले बताया कि तारीख बताती है कि किसी के जाने से नजरिए दम नहीं तोड़ते, बल्कि जिस अंदाज में याह्या सिनवार की शहादत तो ये हमास एक सिर्फ एक शेडो है। असल में उनका एजेंडा ये है कि जो फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक है उसको कमज़ोर किया जाए, लेकिन वो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ेगी, बल्कि वो वक्त के साथ साथ और मजबूत तर होगी, क्योंकि तारीख का जो लेसन है वो यही है कि नज़रियात दम नहीं तोड़ते किसी के भिज जाने से। और जिस तरह महमूद दरवेश एक फ़लस्तीन के बहुत ज़बरदस्त मोस्ट रिवेर्ड नज़रीन पोइट हैं, उनकी मुझे यहाँ पे पोएम के चंद आशार नज़र आ गए, याद आ गए, तो मैं आपको उसका हवाला देता हूँ और बताता हूँ कि क्यों हमास कमज़ोर हमास क्या फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक क्यों कमज़ोर नहीं पड़ेगी। नज़रीन महमूद दरवेश लिखते हैं, बिसीज योर सीज, देर इज़ नो एस्केप, योर आर्म हैज़ फॉलन, सो पिक इट अप एंड स्ट्राइक योर एनिमी, देर इज़ नो एस्केप एंड आई फेल नियर यू, सो पिक मी अप एंड स्ट्राइक योर एनिमी, यू आर नाउ फ्री फ्री एंड फ्री। इससे ये महमूद दरवेश ये जो अशार हैं इनसे फ़लस्तीन की तहरीक और काफ़ी आज भी नौजवान बहुत स्पिरिट लेते हैं, शोज कि जो उनका जो पूरी स्पिरिट है वो बिल्कुल डाई डाउन नहीं होगी। और आप वक्त के साथ देखेंगे, अगर तो यहाँ पर जंग बंदी नहीं हुई तो इसराइल इसी तरह की और गलतियाँ करता रहेगा जिससे उसको बाद में सफ़र करना पड़ेगा। आप खुद ही देख लीजिए, उनको आयरन डोम पे इतना ज़्यादा उनको एक तकब्बुर था और फ़ख्र था कि जी इससे कुछ नहीं हो सकता। आप देखें पहले जब ईरान ने मिसाइल गिराया तब आयरन डोम का फेलियर, और अभी कल की बात है जब 19 अक्टूबर सैटरडे नेतन्याहू के घर पे सिज़ेरिया में, सिज़ेरिया एक ऐसी जगह है इसराइल में जहाँ इसराइल की जो इंटेलिजेंस है और जो उनके इंटेलेक्चुअल एलीट हैं उनके बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन सिज़ेरिया में रहते हैं, जहाँ नेतन्याहू का अपना घर भी है। और कहा यह जा रहा था कि नेतन्याहू की बेगम शायद उस वक्त मौजूद भी थी घर में, और 3 रॉकेट्स मारे गए थे ईरान की तरफ से जिसमें से एक एक्चुअली उनके घर पर लगा है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि ये अटैक बहुत रीसेंट है। और अगर आप वो वीडियो देखें ना ड्रोन की, उसमें आपको नजर आएगा कि वो एक IDF के हेलीकॉप्टर के बिल्कुल साथ से गुजर के गए, इतना दिस इज अ वेरी मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर एज वेल एज फेलियर ऑफ बिग वार्निंग फ्रॉम हिज़्बुल्लाह। बिल्कुल, तो
इससे इसराइल को होश के नाखून लेने चाहिए और आप जितनी जो वो जारियत जारी रखे हुए उससे इसराइल को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अलबत्त कि इसी अटैक के बाद ओसामा गवीश जो इजिप्शियन मीडिया के काफ़ी बड़े पर्सनालिटी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं, उनका कहना था कि IDF ने याया शनवार की जो लास्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ हैं उसे दिखा के याया शनवार को हमेशा के लिए हयात बिल्कुल इमॉर्टलाइज कर दिया बिल्कुल, और क्योंकि वो शहीद भी हैं तो वो इमॉर्टल ही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।